हेलो दोस्तों, दिस इज अजाज इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, कभी हर साल एक दो बार तो टिकी स्टार अवार्ड जरूर होता है, इसमें आप भी जा सकते हो। टिकी स्टार अवार्ड्स में पहले ऐसा था कि जो बड़े क्रिएटर्स है उन्हीं को बुलाया जाता था, जो ब्लू टिक क्रिएटर्स है, कोई टैलेंट है जिनमें कंटेंट क्रिएटर है उन्हीं को, पर अभी किसी को भी बुला सकते हैं। उसके लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, कुछ चीज़ होना चाहिए जिससे भाई आपको भी एंट्री मिल सके डायरेक्टली टिकी स्टार अवार्ड्स में। वो क्या है और किस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियोस है। तो कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो काफी ऑसम होने वाला, भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना, लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, ऐसा मैं क्लिप बनाते रहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको मोबाइल उस पर लेकर चलता हूँ और इससे कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट। ये आपके सामने स्टार्ट हो गया है। आप जाना है प्ले स्टोर पे और यहाँ पर जाकर जरूर चेक करेंगे टिकी का कोई नया अपडेट्स तो नहीं आया। अगर अपडेट्स आया होंगे तो यहाँ पर मुझे अपडेट्स दिखाई दे रहे, तो मैं क्या करता हूँ इसे अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगेगा, 10-20 सेकंड लगेंगे, उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको एंट्री पास मिल सकता है। एंट्री पास फिर तो आप वाइट टिक क्रिएटर क्यों ना हो, आप डायरेक्टली एंटर ले सकते हैं टिकी स्टार अवार्ड्स में। आपको वहाँ पर अवार्ड तो नहीं मिलेंगे पर आप जाके एंजॉयमेंट कर सकते हो ना। तो भाई ये कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसे वॉल्यूम भी कम कर देते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ओके, ये मैंने वॉल्यूम कम कर दिया हो। ये देखिए, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसे ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने पूरे वीडियो दिखाई देने लग गए हैं। ओके, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरे वीडियो सब कुछ दिखने लग जाएंगे। बाकी कुछ नया तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और नए में बस ये चीज़ दिखाई दे रही है जैसे कि आपको साइड में दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर साइड में चैट्स का रूम अलग दिखाई दे रहा है, मैसेज का रूम अलग दिखाई दे रहा है। ये एक नया अपडेट आ चुका है, बहुत सारे लोगों को इसमें शो हो रहा है, नहीं भी शो हो रहा है तो वेट करना, आपके भी इसमें शो होने लग जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो सब ये जैसे मैंने एक वीडियोज़ बनाया है, ये वीडियोज़ आप भी देख लेना। यहाँ पर देखिए, अरे 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 अरे, यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ बंद। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, टिकी स्टार अवार्ड्स, ठीक है, टिकी लाइव सेरेमनी, रजिस्ट्रेशन टाइम मैंने इसके पहले भी बता दिया था। जो रजिस्टर है वो कौन कर सकते हैं, सिर्फ लीडर बोर्ड वाले, ठीक है, मतलब फैमिली गिल्ड वाले ही इसे कर सकते हैं। तो लाइव सेरेमनी फैमिली गिल्ड रजिस्ट्रेशन, फैमिली गिल्ड रजिस्ट्रेशन जो लीडर वही कर सकते हैं। फैमिली लीडर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, उन्हें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एक्सेस पास एक्सचेंज रूल, अब ये एक्सेस पास क्या होता है, देखिए जब भी आप लाइव आते हैं आपको कुछ पासेस दिया जाता है, वहाँ पर 129 स्टार का एक एसएस पास होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, फैमिली मेंबर विल बी डिसाइड हु टू गिव द एंट्री कार्ड एक्सचेंज बाय देमसेल्फ। अब ये फैमिली मेंबर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किसको पास देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ अपनी टिकी पर, और यहाँ पर आपको लाइव दिखाई दे रहा है, लाइव पर जाता हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लाइव चल रहा है, अगर मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ गिफ्ट, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पे एसएस पास, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली एसएस पास यहाँ से सेंड कर दूंगा, तो ये क्या होगा, एसएस पास मेरा चलेगा, पर इसमें अभी स्टार नहीं है तो पहले मुझे स्टार परचेस करना पड़ेगा। तो ये एसएस पास कितना होना चाहिए आपके, इसमें वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं यहाँ से बंद, अभी तो यहाँ से बाहर आ जाते हैं, हम दोबारा आते हैं अपने फॉर्म पे। फैमिली मेंबर रिमेन एसएस पास विल काउंट टुगेदर एंड फैमिली लीडर कैन डिसाइड हु टू गिव। भाई फैमिली मेंबर, अब फैमिली मेंबर में कितने हैं, 100 लोग हैं मान के चलिए, एक इसमें 100 लोग रहते हैं, एक के पास 200 आ गए, दूसरे के पास 50 आ गए, तीसरे के पास 50 आ गए, तो भाई इसके 50, इसके 50 100 हो गए और इसके 100 हो गए, तो ऐसे करके 200, तो 200 एसएस पास का एक एंट्री कार्ड मिलता है। ओके, ऑल होस्ट विल रजिस्टर बाय डिफॉल्ट, और जितने भी होस्ट है वो एन विल बी डिस्प्ले ऑन द लीडर बोर्ड ऑफ दिस इवेंट। जितने भी होस्ट है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे और ये डायरेक्टली लीडर बोर्ड में आपको शो होने लग जाएगा। अगर आपके कोई लीडर है तो उनसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, अगर आप मेंबर हो, अगर मेंबर हो और आपके पास भी एसएस पास आ गए तो आप एक दूसरे से बात करके डिसाइड कर सकते हो, भाई चार लोगों के पास 50-50 आ गया, 200 हो गए, 200 से एक एंट्री कार्ड आएगा, भाई इसको पहुँचा देते हैं, ये बंदा सही है, ऐसा करके आप लोग डिसाइड करना है उसे। एक्टिविटी स्टेटमेंट देखिए, फैमिली गिल्ड एंड होस्ट हु हैज गॉट द एंट्री कार्ड, बहुत ज़्यादा ऐसे भी फैमिली गिल्ड या होस्ट जो लोग हैं उनको टिकी की तरफ से ही कार्ड दिया जाएगा, तो ये कैंडिडेट टिकी लाइव सेरेमनी में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। टिकी लाइव सेरेमनी में वो पार्टिसिपेट करेंगे भी, एंट्री कार्ड लेंगे भी, तो कोई फायदे का नहीं रहेगा, क्योंकि एंट्री कार्ड वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। अवार्ड विल बी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ ईच अवार्ड, भाई ये तो पता ही है हर किसी को। तो यहाँ से क्या करता हूँ, मैं सेकंड दिखा दूँ आपको, एसएस पास एक्सचेंज रूल फॉर फैमिली टीम। देखिए ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरीके से एक्सचेंज होगा। फैमिली मेंबर ए, एक मेंबर के पास मान के चलो 300 एसएस पास है, जब वो लाइव आया था उसको एसएस पास मिले थे 300, दूसरे के पास भी 300 है, इसका 200 एसएस पास का एक एंट्री कार्ड आ गया, मतलब एक एंट्री कार्ड हो गया, उसके पास बचे कितने, 100 बचे हैं, और ये बंदे ने भी एक एंट्री कार्ड ले लिया, उसके पास भी 100 बचे हैं, अब दोनों के पास 100 बचे हैं, तो दोनों मिला के क्या कर सकते हैं, 200 का एक एसएस पास
देकर एक एंट्री कार्ड खरीद सकते हैं। 200 एसएस पास का एक एंट्री कार्ड मिल जाएगा। ओके, विल बी काउंट टुगेदर, एक्सचेंज वन एंट्री कार्ड, फैमिली लीडर विल बी डिसाइड हु टू गिव। अब ये फैमिली मेंबर डिसाइड करेगा कि भाई मेंबर तू इधर दे 100, तू इधर दे 200, हो गए मेरे पास, तेरे पास कितने है? मेरे पास 50 है और तेरे पास 150 है, चल तू भी दे दे। तो सबसे ले लिया उसने, ऐसे दो एंट्री कार्ड हो गए, तो दो एंट्री कार्ड बेटा एक काम कर, तू चले जा और तू चले जा, उसने डिसाइड कर लिया, उनको दे दिया है। ठीक है, अब देखिए, टिकी स्टार अवार्ड ऑफिशियली अवार्डिंग सेरेमनी, वॉन्ट टू विटनेस द विनर ऑफ द ईच अवार्ड कैटेगरी, भाई विटनेस, आप बस गवाह बनना चाहते हो जाकर तो बिल्कुल बन सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइव सेरेमनी में हियर योर चॉइसेस, फाइट फॉर ऑफलाइन इवेंट एंट्री कार्ड, ठीक है, लड़ाई कीजिए, बिल्कुल ऑफलाइन एंट्री कार्ड के लिए लड़ाई कीजिए, डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, जनवरी 19 से जनवरी 25 तक। अब मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है, आपको 25 जनवरी तक जितने ज़्यादा एसएस पास कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट कीजिए, एंट्री कार्ड मिलेगा और बाप रे फिर तो भाई आप ही आप नजर आओगे अवार्ड सेरेमनी में। ओके, 200 एसएस पास का आपको एक एंट्री कार्ड मिलता है और एसएस पास 129 टी कॉइंस का होता है। ठीक है, 129 टी कॉइंस का, सामने वाले को बोलिए जब आप लाइव आते हैं उनको बोलिए कि भाई मुझे एसएस पास दीजिए, तो सामने वाला बंदा जब एसएस पास देगा तो 200 आपके पास हो जाएंगे, तो डायरेक्टली वो एंट्री मिल जाएंगे, तो इंटू टू तो डायरेक्टली वन एंट्री कार्ड आपको मिल जाएगा। ये है एंट्री कार्ड, ठीक है, इवन एंट्री कार्ड, ठीक है, स्टार ये फाड़ के अपने पास रख लेंगे, ये आपको दे देंगे और आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाएंगे। फैमिली मेंबर कैन बी डिसाइडेड हु टू गिव द एंट्री कार्ड एक्सचेंज बाय द डेमसेल, फैमिली मेंबर डिसाइड कर सकती है, पर हाँ दोनों जगह से जो 50-50 लेंगे, ठीक है, एसएस, तो वो सिर्फ डायरेक्टली गिल्ड मेंबर फैमिली लीडर ही डिसाइड कर सकता है। एंट्री कार्ड एक्सचेंज फॉर द फैमिली मेंबर रिमेनिंग एसएस पास आर डिटरमाइन द फैमिली लीडर, फैमिली लीडर ही डिसाइड करेगा, अगर दोनों को जिसके 100-100 है तो 200 भाई फैमिली लीडर, बाकी आपस में आप लोग बांट लो जितने भी है। ठीक है, एसएस पास लीडर बोर्ड रिवॉर्ड्स, द टॉप 5 फैमिली गिल्ड एंड टॉप होस्ट विल बी डिस्प्ले इन द हॉल ऑफ द फ्रेम ड्यूरिंग ऑफलाइन इवेंट। अब देखिए, ये हॉल ऑफ फ्रेम दिखाई दे रहा, ये होता है जिसके एंट्री लेते हैं, या अंदर साइड में एक बहुत बड़ी टीवी रहेंगे उसमें आपकी फोटोज नजर आएंगे, तो टॉप फैमिली गिल्ड लीडर की फोटोज नजर आएंगे, अरे बाप रे ये है बंदा, ये है, और उसके बाद 5 होस्ट जो लाइव आते हैं ना, लाइव में मंथली होस्ट जो ऊपर में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका भी चेहरा नजर आएगा, तो भाई बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट होता है कि भाई हमारी फोटो तो नजर आ रही है, नहीं होंगे तो जाके चिपका देना थोड़ा। ओके, एसएस पास लीडरशिप बोर्ड, तो ये फैमिली गिल्ड लीडर बोर्ड है और ये हॉट लीडर बोर्ड है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली नजर आ जाएगा कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पर अभी नहीं आएगा, ये लास्ट में फाइनल में आपको डिसाइड देने लग जाएगा, क्योंकि ये अभी तो 5-5 तो पता चल जाएगा, पर अभी भाई स्टार अवार्ड के लिए टाइम है, तो जब तक आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एसएस पास कलेक्ट कीजिए और ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अब देखिए, जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाला है वो वीडियोस आने वाला है आपके लिए, मैं लेकर आने वाला हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे टिकी प्राइवेट रूम, ग्रो विथ टिकी, 5 क्रिएटर फंड्स, 5 करोड़ का क्रिएटर फंड्स निकाले हैं, ये लाइव के लिए निकाले हैं और शॉर्ट वीडियोस के लिए निकाले हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर वीडियोस जरूर बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस पर आपको वीडियोस कब चाहिए, अगर आप कहोगे तो मैं शाम तक आपके लिए इस पर वीडियोस जरूर बना दूंगा। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया है कैसा क्या करते हैं, तो इसे कर दे तो डायरेक्टली यहाँ से बन। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर विद फ्रेंड, सब्सक्राइब चैनल, ऐसे बनाते रहते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।